वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सुबह के बज रहे हैं 4, अभी बाहर अंधेरा ही है। दिखाता हूँ बढ़िया को। सबसे पहले पानी गर्म कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं ताकि नींद पूरी तरह से खुल जाए, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। मेरा फर्स्ट मॉर्निंग सेशन होगा एंशियंट हिस्ट्री का। कोचिंग में एंशियंट पढ़ा हुआ था, नोट्स भी बनाया था, लेकिन PYQ सॉल्व कर रहा था तो नोट से हो नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा NCERT पढ़ी लेते हैं एक बार। मुश्किल से 10 दिन लगेगा। कल या परसों करोल बाग गया था तो वहाँ से लिया हूँ एंशियंट और मिडिवल की NCERT। एंशियंट के लिए RS शर्मा और मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा। जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं, जब तक सुबह हो जाएगी फिर जिम चलेंगे, बाकी जो रह जाएगा उसे लाइब्रेरी में भी कवर कर लेंगे क्योंकि इसे जल्दी से ही रिवाइज करना है। जाने से पहले 2 केले, 2 ब्राउन ब्रेड, 1 ब्लैक कॉफी, चना और बादाम आने के बाद। अमूल 27 वाला और 3 अंडे। आज का हमारा नाश्ता बन गया है, चने हैं, ऑमलेट, बादाम, ब्राउन ब्रेड, केले और दूध। अब जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और फिर निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। कितना भी कोशिश कर लो यार, लेट हो ही जाता है। सोचा था 10 बजे तक निकल जाऊंगा और 10:10 हो गए, अभी निकला नहीं। तो लाइब्रेरी जाने से पहले एक अनाउंसमेंट है। UPSC में 90% लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनका बेस मजबूत नहीं होता है, और UPSC एग्ज़ाम का बेस होता है NCERT। अगर आप UPSC की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो NCERT से शुरू कर सकते हैं। मेमो UPSC ऐप में आपको NCERT बेस्ड सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और लास्ट में है एनवायरनमेंट। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। व्हाट आर द 2 मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन? और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ डी, हिस्टोरिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। और इसका चेक करते हैं आंसर, तो इसमें आंसर आ रहा है रॉन्ग, और राइट आंसर है हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए जियोग्राफिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी? और मैं इसमें ऑप्शन लगाता हूँ द प्रेजेंस ऑफ मैग्मा, इसका ऑप्शन चेक करते हैं। तो यस, ये आंसर सही है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इस ऐप में UPSC लेवल के क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में दिया गया जिससे बिगनर्स इजिली प्रैक्टिस कर पाए। इस प्रकार NCERT कवर करने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। मेमो UPSC ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है जिसे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड सेशन हमारा फिर से होगा एंशियंट हिस्ट्री पर ही, क्योंकि अब एंशियंट के क्वेश्चन मेंस में भी आने लगे हैं। और अब की बार 2023 के मेंस में क्वेश्चन आया था कि एंशियंट इंडिया डेवलपमेंट में जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या थे। ये क्वेश्चन जियोग्राफी प्लस हिस्ट्री दोनों मिक्स करके है। जो लोग एंशियंट पढ़ के नहीं गए थे वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, इसलिए एंशियंट पे अब ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं और फिर दोपहर में चलेंगे मेस, खाना खाने वापस आएंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे। आज हमारे मेस में बना हुआ है दाल, चावल, रोटी और भिंडी की सब्जी, थोड़े से सलाद में खीरा है। वैसे भी बाहर का खाना तो बाहर का ही रहता है, खुद से बनाया हुआ खाना है ज़्यादा हेल्दी रहता है, और थोड़ा सा ट्रस्ट भी रहता है कि भाई हाँ जो मैंने सामान यूज़ किया है वो हेल्दी है। बाहर में होटल हो, मेस हो, टिफ़िन मंगा लो, कुछ भी हो, उसमें कैसा ऑयल यूज़ कर रहे हैं कौन जानता है, इसमें हेल्दी नहीं रहता, बट क्या कर सकते हैं। अब दोपहर का खाना बनाने का टाइम भी नहीं रहता क्योंकि उसमें फिर 1-2 घंटे लग जाते हैं खाना बनाने में ही, इसलिए मैंने दोपहर का मेस कर लिया हूँ और रात का भी बना रहा हूँ, रात का भी बंद करने वाला हूँ बनाना, उससे भी मेस से ही करूँगा।
मेस से आने के बाद अब हमारा थर्ड सेशन शुरू होगा पॉलिटी का, और पॉलिटी का मैं रिवीजन कर रहा हूँ, पिछले 20-22 दिन हो गए, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अभी भी इसमें 3-4 टॉपिक रह गए हैं, और आज मैं इसमें कवर करने वाला हूँ सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब रिवाइज कर रहा हूँ तो एक बार पढ़ ही लेता हूँ, एक दिन लगेगा और क्या। और इसके बाद इसके थोड़े से आंसर राइटिंग भी करेंगे, और वो मैं आज शूट नहीं कर पाया हूँ, तो अब इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं, उसके बाद अब शाम में फिर चलेंगे घर, अब वहाँ पे ऑप्शनल की क्लास करेंगे। वापस चलते टाइम थोड़ी सी लग गई भूख, और ले आते हैं मार्केट से मैगी और बनाते हैं एक अंडा मैगी। लोग कहते हैं मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है, यार मुझे तो 2 मिनट में नहीं बनती, मेरे से मुझे तो 5-7 मिनट लग जाते हैं बनाने में, अंडा मैगी बनाना तो 10 मिनट लग गए। तो ये हमारा बन गया अंडा मैगी, और इसे खाते हैं, और अब हम अपना शुरू करते हैं ऑप्शनल की क्लास। ये तो क्लास मुझे दोपहर में आ जाती है, लेकिन आज टाइम नहीं मिल पाया तो शाम में कर रहा हूँ। और एक हमारे सब्सक्राइबर का मैसेज आया हुआ था, गुरजोत सिंह भाई हैं, उनका ये मैसेज था कि भाई मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इंग्लिश हॉनर्स से, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है PSIR में और सोशियोलॉजी में, तो मैं ऑप्शनल क्या रखूँ। तो भाई देखो, ग्रेजुएशन में आप जो भी सब्जेक्ट रख रहे हो उससे आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एकेडमिक में जो आंसर लिखोगे वो UPSC में इम्पॉर्टेंट नहीं है। UPSC में आंसर पैटर्न जो है वो दूसरा होता है। सो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करो ऑप्शनल के लिए, तो आप उसे देख लो कि आप उसको रिसोर्सेज, उसके मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है, कोचिंग्स अगर आप करना है तो कोचिंग अवेलेबल हैं या नहीं, और एटलीस्ट अगर आप खुद से कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी मार्केट में है या नहीं, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है इसके ना तो कोचिंग मिल पाती है, ना कोई टेस्ट सीरीज़, ना कोई आपके आंसर चेक करने वाला मिलेगा। तो आप सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से चूज़ करना, वैसे इंग्लिश भी अच्छा सब्जेक्ट है। ऑप्शनल की क्लास ख़त्म करते हुए रात हो गई, रात का खाना खुद से ही बनाते हैं, तो मैं रोटी बना लेता हूँ और सब्ज़ी ले आता हूँ कुछ मार्केट से, क्योंकि बनाने में सब्ज़ी बनाने में फिर अब टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो मार्केट चलते हैं और लेकर आते हैं सब्ज़ी, और मूंगफली ख़त्म हो गई थी तो उसे भी ले लेते हैं। और सब्ज़ी में मैं आज ले रहा हूँ छोले, तो आज खाएंगे छोले रोटी, और ये है हमारा आज का डिनर, रोटी और छोले, जिसमें मैं डाल देता हूँ 2 चम्मच घी, जिससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो डिनर करने के बाद फिर मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो देख लूँगा, और फिर वहीं पे मेरा आज फुल डे रूटीन ख़त्म होगा। और कल के लिए मैं भिगो देता हूँ चने, थोड़े से उसमें बादाम, और ले आया था जो मूंगफली उसे भी भिगो देता हूँ, ताकि ये सुबह में हमारा स्प्राउट ये बन के तैयार हो जाएगा। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।